क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? ऑडियंस डिमांड कर रही है देसी सुपर हीरो की, क्या इस बार फिल्म में होने वाला है कोई आइटम सॉन्ग? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, आजकल हर तरफ सिर्फ सुपर हीरो और फैंटेसी फिल्मों की बात हो रही है। अब देखिए, हॉलीवुड में तो आए दिन नए नए सुपर हीरो की फिल्में रिलीज होती रहती हैं, लेकिन अब इंडियन ऑडियंस भी बॉलीवुड से डिमांड कर रही है एक इंडियन सुपर हीरो देने की, जिससे कि वो कनेक्ट कर पाए। ऑडियंस इसलिए भी सबसे ज़्यादा फैंटेसी और फिक्शनल फिल्मों से रिलेट करती है, अट्रैक्ट होती है उनकी ओर, क्योंकि इन सब में वो अपने सपने को साकार होते हुए देख सकती है। चाहे वो जादुई पेंसिल हो जिससे जो भी बना वो सामने आ जाता है, या फिर उड़ने की सुपर पावर, इन सब में जब वो देखते हैं सुपर हीरोज को ये सब करते हुए तो उन्हें लगता है कि हाँ, उनका सपना सच हो रहा है। पर जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि ये हॉलीवुड की फिल्में ज़्यादातर हॉलीवुड के थीम्स पर ही बेस्ड होती हैं और ये सुपर हीरो ज़्यादातर हमें हॉलीवुड फिल्मों में ही देखते हैं, अब इंडियन ऑडियंस उससे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती, क्योंकि पूरा का पूरा माहौल ही अलग होता है। इसलिए जब एक इंडियन सुपर हीरो की बात होती है तो ऑडियंस ये चाहती है कि कोई इंडियन सुपर हीरो आए। अब जब ये हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में डब ही होकर क्यों ना आए, इनमें वो बात नहीं रह जाती, इतनी दमदार वो लगती ही नहीं है जो कि हॉलीवुड में इंग्लिश फिल्में देखने का मजा है। इसलिए अब ऑडियंस डिमांड कर रही है एक इंडियन सुपर हीरो की। शायद यही वजह है कि मेकर्स अब 80s और 90s की फिल्मों को अब रिवाइव कर रहे हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, 1980s के दौर में आई मिस्टर इंडिया, इस फिल्म को वापस से लेकर आया जा रहा है, इसका सीक्वल बनाया जा रहा है। तो अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस दौर में मेकर्स इस फिल्म को किस तरीके से पेश करते हैं। हाँ, इस फिल्म में फिक्शन होगा, काफ़ी सारा स्कोप है एनिमेशन और काफ़ी सारे एक्शन का, VFX यूज़ करने का, लेकिन इस दौर के हिसाब से इस फिल्म को काफ़ी बारीकी से बनाना होगा। 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया ने तो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सारा धमाल मचाया था, और ना सिर्फ इसकी स्टोरी लाइन बल्कि इसके गाने भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुए थे। इसका सबसे फेमस गाना हवा हवाई, इस गाने के लिए भी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा था। अब आप देखिए कि आजकल के दौर में लोग इतना गाना देखना पसंद नहीं करते हैं, तो मेकर्स को ये सोचना पड़ेगा। अब ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है OTT और वेब सीरीज की तरफ, जिसमें शायद ही गाने देखने को मिलते हैं, और हॉलीवुड के फिल्मों में गानों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तो इसीलिए इस बार ऐसा हो सकता है कि इस फिल्म में गाने तो हों लेकिन काफ़ी कम हो, क्योंकि आज की ऑडियंस ऐसा ही पसंद करेगी। अब कैसी होगी ये फिल्म और क्या नया होगा इस फिल्म में हमारे देखने के लिए, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस इंडियन सुपर हीरो को देखना चाहेंगे और कौन सा सुपर हीरो आपका फेवरेट है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है जया भारद्वाज ने।